हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और दो बार एमएलए रह चुके चौधरी अकरम खान साहब हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, हाल ही में अभी चुनावी नतीजे हैं उत्तराखंड के और हिमाचल के, किस तरह से देखें? उत्तराखंड के तीन विधानसभाओं का उपचुनाव था और लोगों ने वहाँ पर दो सीटें कांग्रेस को जिताकर, कांग्रेस का एक तो वहाँ पूर्ण बहुमत पहले से ही था, 38 हो गई थी, अब 40 सीटें हो गई हैं, तो लोगों ने ये जाहिर कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ हैं और आने वाले वक्त कांग्रेस का। यही उत्तराचल में दो सीटों पर था हमारा बद्रीनाथ और आपके मंगलौर में, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो ये उत्तराखंड की जनता और एक साफ तौर पे मैसेज है कि आगे कांग्रेस के हक में है और कांग्रेस का आने वाला वक्त कांग्रेस का है। सर, हरियाणा में भी चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, क्या इसका असर आपको लगता है कि यहाँ भी? देखिए, हरियाणा में अभी पार्लियामेंट के चुनाव आपने देखे हैं, जो रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत बड़ा है और लोग इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है प्रदेश की, इससे बदलना चाहते हैं और कांग्रेस में उन्होंने अपना यकीन जताया है और आने वाला वक्त मुझे यकीन है पूरा कि कांग्रेस का है। तो सर, अगर पार्टी विश्वास जताते हैं, क्या सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पार्टी विश्वास जताती है तो क्या आपने टॉप प्रायोरिटी में क्या काम रखे हुए? देखिए, लोकल इश्यूज हैं, कई मुद्दे हैं, यहाँ इलीगल माइनिंग का भी बहुत मुद्दा रहा है, ओवर लोडिंग का भी है और कई लोकल इश्यूज हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं हल्के की, ये हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि लोकल इश्यूज जो हैं, जैसे पिछली बार हमारा सड़कों का मुद्दा था, जब कि अब तो सड़कें फिर भी बेहतर हैं, उस वक्त तो बहुत हालात ख़राब थे सड़कों के, उन्हें प्रायोरिटी पर सड़कों का लेके और सबसे पहले सड़कें कराई थी अपने पूरे इलाके की। तो इस बार जैसे कि इलीगल माइनिंग की वजह से हमारा ये अपना का कटाव हो रहा है, पानी है इस तरफ आने का, हर साल जब बरसात होती है हमारा इलाका फ्लड का डर रहता है पूरे इलाके में, क्योंकि खनन इलीगल माइनिंग इसकी तरफ बुरी तरह हुई है, सरकार के लोगों ने करी है और सरकार भी इसमें शामिल है, तो इलीगल माइनिंग की वजह से फ्लड का बहुत खतरा रहता है इस इलाके में। और दूसरा एक नशा तो आप देख ही रहे हैं, पूरे हमारे ज़िले में ही देख लीजिए, पूरे स्टेट में देख लीजिए, नशा बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। आजकल जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर इन दो चीज़ों पे बड़ा प्रायोरिटी पे काम करा जाए। क्या लगता है सर, इतना क्यों फल फूल रहा है जो ये गैर कानूनी काम है? देखिए, ये तो मैं यही कहूँगा कि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं ढील है, नहीं तो अगर सरकार सख्त होगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, तो ऐसी ये काम नहीं बढ़ेगा। तो इसके अलावा और आने वाला भविष्य कैसे देखते हैं आप हरियाणा, जो जगाधरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो? देखिए, जगाधरी में मैं तो यही कहूँगा, हमारे तो जो लोकल विधायक हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे, और कोई जगाधरी के लिए कोई सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वैसे तो यूनिवर्सिटी का बनता था क्योंकि इस ज़िले से वो हैं, यमुनानगर से तो यूनिवर्सिटी, लेकिन जो कोई सरकारी कॉलेज भी खोल देते तो भी वो बहुत बड़ी बात थी। कोई टीचर नहीं है स्कूल में, आप देख लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी क्या हालात है, और शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में ये भी दिक्कत, लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है इस मामले में भी, तो कई चीज़ों की प्रायोरिटी रहेगी हमारी, इन सब मुद्दों पर काम करा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। शुक्रिया। ये हैं चौधरी अकरम खान साहब, जिन्होंने सरकार पे एक तरह से आरोप लगाया है कि सरकार की ढील की वजह से ना सिर्फ यहाँ नशा तस्करी बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और जनता परेशान है, और हाल ही में अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उत्तराखंड और हिमाचल के, उनको एक तरह से संकेत बताया कि अब जनता मन बना चुकी है और बीजेपी से छुटकारा पाकर जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रही है। आशीष शर्मा, यमुनानगर, हरियाणा तक।